बटन जल्दी फोकस करो। ये कोई शक नहीं, मेरी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले नॉलेज लगे जैक नहीं। बुद्धा की धरती की परती पर रुकल बंदूक यहाँ, बकरों से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ। ठोक देंगे कट्टा का पार में, आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में, हमरा बिहार में। I'm a brown सरकार ता साडी अपनी है, उतो बंदे नाल दे ताकड़िया रखी दा इसलार हेलिया ते किवें होजू परचा वेलिया ते नाल शूटर पक्के रखड़े है। सरकार ता साडी अपनी है, उतो बंदे नाल 2-1 bang। लेकिन निरंतर बार बार उसको रिविजन करेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट आपका है। आपको बोलने में दिक्कत हो रहा है, आने में एक बार खड़ा होंगे गलती होगा, दो बार खड़ा होंगे गलती होगा, चार पांच बार करेंगे ऑटोमेटिक से हो जाएगा। तो ये एक महत्व एक ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा तो गड़बड़ा जाएंगे, एकदम हाई होना चाहिए, आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हैं? देखिए समय बहुत ही कम है, हम लोग और भी काम कर लेते हैं, नहीं तो पता लगेगा नौ वाला के बाहर खड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, तो आगे कार्यक्रम करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। मेरा नाम अंशु कुमारी शर्मा है, मैं आज शिक्षक दिवस के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। इसमें किसी प्रकार की त्रुटियां हो तो मुझे अबोध बालिका समझ के क्षमा कर दीजिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक महान शिक्षक और उपराष्ट्रपति थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुदली गाँव में हुआ था। यह इनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक अच्छे लेखक भी थे और यह अपने महान सेवा देने के बाद 17 जो बनाए हमें इंसान और देश सही गलत की पहचान देश के उन शिक्षकों को हम करते हैं सत सत प्रणाम। हर कदम पर सम्मान है गुरु, मेरे जीवन में भगवान है गुरु, ईश्वर से मिला वरदान है गुरु, यह सत्य है बड़े महान है गुरु। आपने जन्म दिया है, शिक्षक ने जीवन जीने की राह दिखाई है। माँ बाप ने जन्म दिया है, शिक्षक ने जीवन जीने की राह दिखाई है। एक साल इंतजार करने के बाद टीचर्स डे आई है। हैप्पी टीचर्स डे। क्यों मनाया जाता है?
शिक्षकों के सम्मान के लिए, ठीक है, उनके देखिए एक स्टूडेंट और शिक्षक के बीच में लगाव होता है, उसीलिए 5 सितंबर मनाया जाता है। देखिए 5 सितंबर का शुरुआत हुआ 1962 में, कब हुआ 1962 में, हुआ क्या था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे वो टीचिंग के क्षेत्र में कार्य किया करते थे, टीचिंग के क्षेत्र होता है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे वो टीचिंग के क्षेत्र में काम करते थे, लगभग 40 वर्ष तक टीचिंग के क्षेत्र में काम किए। कुछ दिन बाद उनको उपराष्ट्रपति के पद पर चुना गया, जिसके कारण उनको अब टीचिंग का लाइन छोड़ना पड़ा था, 40 साल तक लगभग बिताए थे। तो जब उनका स्टूडेंट जब बोलने जब उनका विदाई होने लगा तो बोलने लगे कि सर हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप जन्मदिन मनाएंगे तो मुझे उतना खुशी नहीं होगा यदि आप हमारे जन्मदिन के दिन पर शिक्षकों को सम्मान देंगे, पूरे देश के शिक्षकों को, पूरे विश्व के शिक्षकों को क्या देंगे, सम्मान देंगे। टीचर लड़का स्टूडेंट जो थे कहा ठीक है यही सबसे बेटर है। तो फर्स्ट बार 5 सितंबर 1962 में मनाया गया, उसके बाद से हर साल के भांति मनाया जाता है और बच्चों और टीचरों का एक लगाव और संबंध होता है। असल में देखा जाए तो जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे वो केवल टीचर ही नहीं थे, वो बहुत सारे काम किए, जैसे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद से दूसरा राष्ट्रपति बने, कुछ दिन काम करने के बाद में सोवियत संघ का, विश्व में अगर 5 सितंबर मनाया जाता है तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, समझ रहे ना आप लोग, की आपकी सबसे पहला टीचर और शिक्षक आपकी माँ होती है, क्योंकि औरों से 9 महीना पहले वो आपको जानती है, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, इसीलिए सबसे बड़ी कौन टीचर है, माँ है। कभी भी माँ और पापा का सम्मान करना चाहिए, उनको कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, चाहे वो बूढ़े हो जाए तब भी, चाहे अभी हो तब भी। और आपके लाइफ में जो भी आपको 0% भी, कोई 1% भी सिखा दिया है ना, वो आपका गुरु है, उसको उसका मतलब उससे संबंध बना कर रखना चाहिए, कभी ऐसा नहीं कि उनसे कड़वा बात करना चाहिए। गुरु टीचर क्या होता है ना कि एक दीपक के समान होता है, एक दीपक जलकर हजारों रोशनी देता है, हजारों दीपक को जला देता है, उजाला देता है, सड़क के भांति रहता है, सड़क एक जगह पर रहता है परंतु उसके ऊपर चलने वाला लोग कहां से कहां चला जाता है। सेम टीचर वैसे ही होते हैं, वो अपने जगह पर रहते हैं परंतु उनसे पढ़ पढ़ के लड़का कुछ भी बन सकता है, कहीं भी जा सकता है, हर एक फील्ड में जा सकता है, समझ रहे समझ रहे, ये तरीका होना चाहिए। देखिए होना जैसे कि आपके अंदर एक ऐसा आग होना चाहिए ना कि उस आग के चलते आपका हर एक काम हो जाए, रुके ना, नहीं कहते हैं यदि जिंदगी में ना कोई गम हो ना कोई दुख हो, अगर यह जिंदगी का कलम मतलब जिंदगी लिखने का कलम मेरे माँ के हाथों में होता आपको कोई दुख नहीं होता, समझ रहे हैं ना, ये होता है। तो आपके अंदर एक ऐसा मतलब कि शेड्यूल होना चाहिए, एक संघर्ष होना चाहिए जो आपके अच्छे रास्ते पर अच्छे लोगों के साथ रहे, आपका दोस्ती संगति जो भी होता है सब पॉजिटिव आदमी के साथ होना चाहिए, निगेटिव आदमी के साथ नहीं होना चाहिए, जिससे आपका लक्ष्य आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े, अपने माँ पापा के नाम ऊंचा करें, टीचर का नाम ऊंचा करें, ये सभी होता है, समझ रहे, समझ रहे, तो ये सभी हुनर होना चाहिए। नहीं कहते हैं एक स्थिति ऐसा होना चाहिए कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, मिलेगा जरूर, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। कभी टीचर आपको गुस्सा में पीटेगा भी, दुलार भी करेगा, मारेगा भी, लेकिन याद रखिएगा एक कड़वा बात है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जिंदगी में आपको तीनों लोग ही ज्यादा मानते हैं, और आपके लाइफ में आपके मम्मी और पापा, और तीसरा वो हम होते हैं जो मानते हैं, टीचर जो आपको मानता है, इसलिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छा एक लगाव होना चाहिए। नहीं कहते हैं जिंदगी में ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, यदि बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं यदि आग लगी हो सीने में, समझ रहे हैं, अगर आपके अंदर आग है ना कि हमको चाहत है कि ये करना है तो आप कर देंगे, कभी आपके अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत नहीं होगा, जो व्यक्ति ठान लेता है वही मान लेता है, जो कि ठान लिया कि हमको ये करना है तो करना है, समझ रहे नहीं समझ रहे, अगर नहीं आप देखिए जो भी चीज चाहते हैं अगर पॉजिटिव मन से करते हैं, तेरी याद ना आए तो तन्हाई किस काम का, बिगड़े रिश्ते ना बना दे जुदाई किस काम का, जिस ऊंचाई पे हम खड़े हैं उस ऊंचाई से यदि अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम का, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो जिस ऊंचाई पे हम खड़े हैं ना वहां से अगर जो मुझे ऊंचाई पे भेजने वाला ना दिखाई दे तो कोई काम का नहीं, तो ये स्थिति है। आप लोग दुनिया में सबको सम्मान करिए, सबसे ऊपर अपने माँ पापा को रखिए, फिर शिक्षा को रखिए, दुनिया में आपको जो भी थोड़ा सा भी सिखाया है 1% भी वो आपका गुरु है, वो पूजनीय है, कभी रूठे या कभी गुस्सा करे तो उसको लेके नहीं आना चाहिए।